अनुपमा, मैंने कहा जाओ, बोलो ना जाओ। सब लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर। या विशाल, जस्ट गिव मी वन सेकंड। सर प्लीज, लेट्स गो। मैं उन्हें नहीं पता चलने दूंगी कि क्या हुआ है। मीटिंग में होंगे शायद। इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ, मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो अपना हाथ, तो मेरे हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं चिल्लाऊंगी। माँ को बुला दूंगी। इतनी बार तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है, यहां वहां छुआ है मैंने तुम्हें। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कोई शिकायत नहीं की, फिर आज ये शिकायत। भाभी हूं तुम्हारी, इस रिश्ते की कुछ तो इज्जत करो। भाभी भाभी कौन सी भाभी, कैसी भाभी? चैतन्य मेरा भाई ही नहीं है, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तो तुम मेरी भाभी कैसे हो गई? मैं तो तुम्हें अपनी माशुका बना। बस चैतन्य को दुख ना पहुंचे, उसे बुरा ना लगे, इसलिए आज तक अपनी जुबान को बंद रखा है।
तुमने अपनी ये घटिया हरकतें नहीं छोड़ी ना तो मजबूर होकर मुझे चैतन्य को सब कुछ बताना होगा। प्लीज गो अहेड, बता दो, चैतन्य को बता दो, माँ को बता दो, पूरी दुनिया को बता दो, बता दो। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। देखो अब तुम मुझे अपना हाथ दो और उसमें दवा लगाना दो, प्लीज प्लीज। हाँ ना, अपना हाथ लो, लो, लो। देखा, दर्द हुआ ना? क्यों करती हो तुम ये सब? क्यों? ये जो पद्मिनी है ना, वो बहुत जलती है तुमसे, मैं जानता हूं। इतना जलती हो तुमसे कि तुम्हारा हाथ ही जला दिया उसने। अगर आज के बाद पद्मिनी ने तुम्हें दर्द देने की इतनी भी कोशिश की तो तुम सिर्फ मुझे आकर कहना अनुपमा। वादा करता हूं मैं तुमसे, वो पद्मिनी है ना, मैं उसे ही छोड़ दूंगा, उसे उसे मायके भेज दूंगा मैं उसके। नहीं नहीं, मैं उसे तलाक दे दूंगा। और तुम भी एक काम करो, तुम ये जो अनाथ चैतन्य है ना, उसे भी छोड़ दो, फिर बस तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारी ये जिंदगी होगी। राइट? मेरी बात सुनो, तुम बहुत ऐश करेंगे हम दोनों, बहुत मजे से जिंदगी काटेंगे, वादा करता हूं। आप दवा लगाने दो प्लीज, दो दो, मैंने कहा दो दवा, मुझे दवा लगाने दो। अभी तक तो तुम्हारा पुराना उधार मैंने नहीं चुकाया है अनुपमा, एक और उधार चढ़ा दिया, अब जब मैं अपने सारे उधार चुकाऊंगा बहुत भारी पड़ जाएगा तुम पर, बहुत। हेलो चैतन्य, चैतन्य मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं अदिति हूँ चैतन्य। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना चैतन्य, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ चैतन्य, मैं अदिति हूँ चैतन्य, मेरा विश्वास करो, मैं अदिति बोल रही हूँ, तुम्हारी अदिति। हेलो
मेम साहब, मैं सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकता। जी प्रणाम। माता सबका कल्याण करे। पंडित जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूजा का सामान हम ले आए हैं, तैयारियां शुरू कर दें। हाँ हाँ, अवश्य शुरू कीजिए, परंतु ध्यान रखिएगा पिछली बार की तरह कोई गलती कोई विघ्न न पड़ जाए। नहीं नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार सारी तैयारी हमने अपने हाथों से की है। रमन काका, पूजा का सामान रखिए। पर इसमें तो हार फूल है ही नहीं। पद्मिनी, भाभी साहब, हमने इस बार पूजा का सारा काम अपने हाथों से खुद किया, हमने सिर्फ आपसे फूल माला लाने के लिए कहा था, अब वो भी भूल गए। मासा, हम ले आते हैं। रहने दो पद्मिनी, मैं लेकर आती हूँ। माँ, फूलों की माला मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी। चलो, मासा की नजरों में तो हमने अनुपमा को गैर जिम्मेदार ठहरा ही दिया, पर बेचारी अनुपमा फूल माला लाती भी तो कैसे लाती, हमने उसे कहा ही कब था। हम तो बस मौका देकर तीर चलाना जानते हैं, बहुत सदा हुआ निशाना है। ये फूलों की माला देना। बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, आंखों की नमी तो वही बता रही है। बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जब अपने ही साथ छोड़ दे तो किसी पराये से क्या उम्मीद करूं। जानती हो, आज मैंने अपने पति को देखा, मैं मिली थी उससे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, और मैंने एक बार फिर से उन्हें खो दिया। पास वाली कॉलोनी में रहती हूँ मैं, जब भी अकेलेपन से मन घबरा जाता है तो यहाँ मंदिर में आ जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए। दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मेरे पति मुझे फिर से मिल जाए, उनका साथ मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं, भगवान भी जैसे मुझसे नाराज है, मेरी प्रार्थना तो वो सुनते ही नहीं है। देखो प्लीज, तुम ऐसे रो मत। अभी तक हार फूल नहीं आया, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। ये अनुपमा पता नहीं कहाँ रह गई। माँ साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ले आते हैं। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। पंडित जी, आप पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए, मैं बस एक सेकंड में फूलमाला लेकर आई, मैं जाके देखती हूँ।
जरूर सुनेंगे। तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। कैसे हिम्मत ना हारूं? बताओ मुझे, क्या तुम जानते हो एक अकेली औरत को क्या क्या सहना पड़ता है? लोगों के ताने फिक्रे, कैसे कैसे नजरों से लोग देखते हैं एक अकेली औरत को। हर कोई जैसे तुम्हारे अकेलेपन का, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। यही दुआ मांगती हूँ कि बस मुझे मेरे पति का साथ दिलवा दे, बस। उनके बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और यही ठीक है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं भी किसी की पत्नी हूँ। पति जरा से नाराज हो जाए तो जान निकल जाती है। पत्नी की जिंदगी तो उसके पति के साथ ही जुड़ी हुई होती है ना। मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ मांगूंगी, तुम्हें तुम्हारे पति जरूर मिल जाएंगे। कम से कम इतना तो सोचा होता कि पूजा का वक्त निकला जा रहा है। अब चलो। आई माँ। अरे तुम अभी भी खड़ी हो? माँ वो चलो ना। For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media.